वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 11। इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आपके पास पार्ट 11 पहुंच रहा है, और आपको जैसा पता है कि इस हर वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि इडियम्स एंड फ्रेज आप इस वीडियो के देखने के बाद लर्न करके जाएँ, और फिर जब भी कभी अगर एग्जाम में ये वर्ड्स आते हैं, ये एडियम्स आते हैं, तो आप 100% श्योर होकर के इनका आंसर दे के आएंगे। तो आइए बात करते हैं इन एडियम्स एंड फ्रेजेस की। और जैसा कि आपको पता है कि एडियम्स एंड फ्रेजेस सिखाने के लिए मैंने आपके लिए एक नई टेक्निक डेवलप की है, और बच्चों इस टेक्निक का नाम होता है माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग से हम आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस सिखाते हैं। बच्चों, माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि जैसा आपको पता है कि इन इडियम्स को रटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इडियम्स का मतलब होता है दोज वर्ड्स हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरेरी मीनिंग, यानी वो क्वेश्चंस, वो वर्ड्स जिनकी मीनिंग उनकी लिटरेरी मीनिंग से अलग होती, तो उनको रटना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक माइंड मैपिंग रूपी डेवलप टेक्निक डेवलप की है, जिसमें आप कहानियां बना करके, स्टोरीज बना करके उन इडियम्स की मीनिंग को उनसे रिलेट करते हैं, जिससे कि आपके ये वर्ड्स हमेशा के लिए, आपके इडियम्स आपको हमेशा याद रहेंगे। तो कैसे करते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपका है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज निट द ब्रो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निट द ब्रो। बच्चों, निट का मतलब होता है गूंथना या ऐंठना, और ब्रो का मतलब होता है चेहरा। यहाँ पर ब्रो से बना लीजिए आईब्रो। तो देखिए यहाँ पर, यानी कि निट द ब्रो मतलब निट द आईब्रो, यानी अपनी भौहों को ऊपर करना। देखिए जब किसी चीज़ को निट करते हैं, जैसे आपने देखा स्वेटर निट किया जाता है, तो चीज़ों को ऊपर नीचे किया जाता है, तो भौहों को ऊपर करना। और आपने देखा होगा भौहें को हम ऊपर कब करते हैं, जब किसी से गुस्सा होते हैं, तो मीनिंग हो जाएगा टू फ्रॉन, या इसका मतलब हो जाता है बिकम एंग्री, किसी से बहुत ज़्यादा नाराज हो जाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कीप फिंगर क्रॉस्ड, यानी उंगलियों को क्रॉस करना। अब देखिए आपने देखा होगा इसका मीनिंग निकल रहा है टू वेट एक्सपेक्टेंटली, मतलब एक्सपेक्टेंटली होता है बहुत ही आशापूर्वक इंतजार करना। अब देखिए ये है एक बॉडी लैंग्वेज है, बहुत से इडियम्स एंड फ्रेजेस बॉडी लैंग्वेज बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब किसी चीज की आपको बहुत ज्यादा आशा होती है, आप एक्सपेक्टेडली इंतजार करते हैं, तो अपनी फिंगर को क्रॉस कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसे इस तरह से कर लेते हैं, और देखो जैसे आपको रिजल्ट आने वाला होता है, तो जब पता चलता कि रिजल्ट आने वाला है, ऑनलाइन चेक किया जा रहा, तो आप क्या करते, हे भगवान बढ़िया नंबर मार्क्स दे देना, हे भगवान मुझे पास कर देना। तो यानी आप फिंगर को क्रॉस कर लेते हो, मतलब वेट एक्सपेक्टेंटली बहुत ही आशापूर्वक इंतजार कर रहे होते हैं। अच्छा नेक्स्ट वर्ड आपका है, नेक्स्ट इडियम है किक हील्स। तो मैनेजमेंट कैसे काम करती है, सबसे पहले आप इन वर्ड्स की लिटरेरी मीनिंग क्या है वो निकालिए, इसका फिर एडियोमेटिक मीनिंग क्या है उसको निकालिए, और दोनों में क्या रिलेशन बन सकता है, कहानी बन सकती है, उसको बनाइएगा। तो देखिए किक हील्स का मतलब हो रहा है टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग, इंतजार करते हुए समय बर्बाद करना। अब कहानी बना लो बच्चों, किक मींस होता है लात मारना, और हील्स होता है एड़ियों, यानी कि अपने एड़ियों को आपस में किक करना। तो देखा होगा इसको ऐसे बना लीजिए, जैसे कि अगर सपोज एड़ियां हम कब हिलाते हैं, अपने पैर कब हिलाते हैं बैठे बैठे, तो देखा होगा जैसे कि अगर किसी से आप मुलाकात करने जाते हो, और आपको सामने की बेंच पर बैठा दिया जाता है, तो आप बैठे बैठे क्या करोगे, पैर हिलाते हो और इंतजार करते हो, तो बैठे बैठे किक हील्स, पैर हिलाना मतलब वेस्ट टाइम इन वेटिंग, यानी कि इंतजार करते हुए समय को बर्बाद करना। नेक्स्ट आपका इडियम है लॉस्ट इन द क्लाउड्स, और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कंफ्यूज्ड। अब देखिए लॉस्ट इन द क्लाउड्स से कहानी बना लो बच्चों, होता लॉस्ट मींस होता है खो जाना, और क्लाउड मींस होता बादलों में खो जाना, मतलब कंफ्यूज हो जाना। अब देखिए इसको कैसे लड़ करोगे, आपने देखा होगा जब भी, जैसे कई बार मेरे साथ होता है कि मैं जब क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता, तो कुछ बच्चे कहीं और खो जाते हैं, तो यानी कि अब बच्चे कहीं और कब चले जाते हैं, जैसे कि मैं सपोज कुछ समझा रहा हूँ, और उसके अगर समझ में नहीं आता है, वो परेशान है, तो वो कहीं और ख्वाबों में चला जाता है, सोचने लगता है, ये हो जाता है कंफ्यूज हो जाना। और आपने देखा होगा
जब कोई इंसान किसी टॉपिक पर कंफ्यूज होता है तो वो कहीं विचारों में खो जाता है, और हम उससे कहते हैं और भैया कहाँ खो गए हो। तो यानी बादलों में खो जाना मतलब कंफ्यूज हो जाना, भ्रमित हो जाना। अगला क्वेश्चन, लूज ग्राउंड, और इसका मीनिंग क्या निकला, टू फेल टू कीप पोजिशन, यानी अपनी पोजिशन को बनाए रखने में फेल हो जाना, असफल हो जाना। अब देखिए लर्न कैसे करोगे, लूज ग्राउंड होता है बच्चों जमीन खोना। देखिए इस इडियम्स को हिंदी में बहुत यूज किया जाता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो रही है। तो जमीन खोने का मतलब होता है फेल टू कीप पोजिशन, यानी जो उसकी पहले जमीन बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, जो अपनी जमीन बनाई थी कि पहले यहाँ पर कई साल शासन किया था, अब वो शासन उसका नहीं चल पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। यानी कि उसने क्या किया, जो अपनी ग्राउंड बनाई थी अच्छी पार्टी से ग्राउंड बनाई थी अच्छे वोटों के लिए, तो वो ग्राउंड अब लूज कर रहे हैं, मतलब टू फेल कीप पोजिशन, अपनी पोजिशन को बनाए रखने में फेल हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका है टू लॉफ इन स्लीप्स। अब देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है लाफ माने हंसना, और स्लीप मिस होता है बाहें आस्तीन में हंस लेना, और होता क्या है इसका देखिए इडियोटी में क्या है, टू लाफ सीक्रेटली, चुपचाप हंस लेना। आप देखा होगा कई बार क्या होता है कि जब चार पांच दोस्त बैठे होते हैं और जब एक दूसरे पर मजाक किया जाता है तो कुछ तो दोस्त चुपचाप ऐसे आस्तीन में मुंह छुपा के हंस लेते हैं कि दूसरा जान भी ना जाए और हंस भी लें। तो इस तरह से आस्तीन में हंस लेना, यानी कि मुंह छुपा के हंस लेना, मतलब लॉफ सीक्रेटली, चुपचाप हंस लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका शाब्दिक अर्थ निकालना है। लीव मन छोड़ना, नो स्टोन किसी पत्थर को अनटर्न्ड ना छोड़ना, यानी ऐसे ना छोड़ना जिसको आपने टर्न ना किया हो, उल्टा ना हो। और इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या निकाला है, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, यानी हर संभव प्रयास करना। अब देखिए इसके लिए कहानी सुनाते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक राजा था, तो वो अक्सर अपनी प्रजा को चेक किया करता था, उनका टेस्ट लेता रहता था। एक बार क्या किया उसने, एक सड़क पर, जैसे ये सड़क है, एक जगह बीचों बीच में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, और उस पत्थर के नीचे कुछ सोने के सिक्के रख दिए, और इसके बाद आसपास कुछ पत्थर डाल दिए। तो अब लोग आते थे, उन्होंने एक पत्थर हटाया फेंक दिया, दूसरा हटाया फेंक दिया। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है कि वो हर पत्थर को उठा के फेंकता है, इसका मतलब लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, हर प्रयास की कोशिश करता है। इसको देखिए ऐसे भी लर्न कर लीजिएगा कि जैसे सपोज, थोड़ा सा और दूसरी कहानी से पढ़ लीजिएगा कि सपोज मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक खेत में बहुत से पत्थर पड़े हुए हैं, और किसी एक पत्थर के नीचे आपको 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, और आप गए, आपने ये हटाया ऐसा हटा के बोले यार बेवकूफ बना रहा, ऐसा कुछ है नहीं, और आपने जो पता है लास्ट वाला जो था उसको हटाया नहीं, यानी कि वहां पर आपको सिक्का मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। ये हो जाता है, इसलिए हमें कभी भी किसी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ना चाहिए, सभी स्टोन को पलट देखना चाहिए, पता नहीं कहाँ पर सिक्के मिल जाए। इसलिए टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगला है, और ये कहा भी जाता है कि कई बार सफलता हमसे सिर्फ एक कदम दूर रह जाती है। एक कहानी आपने और सुनी होगी कि किसान था, और वह कोयले की खान की तलाश में तमाम उसने चीज़ें खोद डाली थी, खेत में अपना बहुत ज़्यादा खुदाई कर रखी थी, लेकिन वो भी थक गया था, पता लास्ट में जिस कोने पर कोयले की सोने की खान थी वहाँ पर उसने खोदना बंद कर दिया, मात्र एक फीट और खोद लेता तो उसे सोने की खान मिल जाती। तो इस तरह से क्या कहता है कि हमें कभी भी लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी हमें हर भरसक प्रयास करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लीव इन द डार्क। अब देखिए लीव मन होता है कूदना, डार्क तो अंधेरे में छलांग लगा देना, और इसका मीनिंग क्या निकला है, टेक अ रिस्क डेलिबरेटली। बच्चों डेलिबरेटली मतलब होता है नोइंगली, जानबूझकर रिस्क लेना। अब इसको लर्न कैसे करोगे, देखिए सिंपल से लर्न कहानी है कि आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में बड़ा सा नाला मिल जाता है, लेकिन आपके पास कोई लाइट नहीं है, आपको कोई अंदाजा नहीं है कि नाला कितना चौड़ा है, लेकिन फिर भी आपको इधर जाना है, तो आप छलांग लगा देते हो अंधेरे में, और
तो क्या कर रहे हो, यानी कि आपको पता है कि नाला गहरा है, गिरेंगे तो यहाँ पर हम डाले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी छलांग लगाते हो, मतलब होता है लीप इन द डार्क होता है, यानी कि टेक रिस्क डेलिबरेटली, आप जानबूझ कर रिस्क ले रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लुक शार्प। अब देखिए और मीनिंग क्या निकला है, मैकहेस्ट जल्दबाजी करना, तो सिंपली से आपको पता, देखिए शार्प होता है बहुत तेज, यानी जब इंसान किसी काम करने में बहुत शार्प दिखता है, बहुत तेज दिखता है, मतलब क्या कर रहा है वो, मैकहेस्ट जल्दबाजी कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब देखिए लेट द कैट यानी कि बिल्ली को बैग से बाहर आने देना, टू डिस्क्लोज मतलब किसी मामले को डिस्क्लोज कर देना, बच्चों डिस्क्लोज का मतलब होता है रिवील कर देना, प्रकट कर देना। तो कहानी, इसको कहानी बना लीजिएगा कि एक इंसान था, वो अपने बैग में एक बिल्ली को छुपा के ले गया था, और तो लोग जब उससे पूछ रहे थे कि भाई आपने बैग में क्या छुपा रखा है, उसने बहुत देर बाद बताया, क्या किया, बैग से बिल्ली निकाल दी, यानी उसने बैग का रहस्य बता दिया, यानी डिस्क्लोज कर दिया, रिवील कर दिया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, मतलब पैराडाइज होता है स्वर्ग, हेवन, मूर्खों के स्वर्ग में रहना, और यहां पर क्या है, फॉल्स होप, झूठी आशा। इसको लर्न कैसे करोगे, देखिए एक तो असली पैराडाइज होता है जो स्वर्ग होता है, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी छोटी मोटी जगह को ही स्वर्ग मान लेते हैं। जैसे देखा होगा जो कुछ, सपोज कुछ मूर्ख लोग हैं और पार्क में बैठे बैठे गप्पे मारते हैं, तो उनको लगता है उनका पार्क ही स्वर्ग है। तो मूर्खों का स्वर्ग क्या है, झूठी आशा, फॉल्स होप कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लायंस शेयर, शेर का हिस्सा, और मीनिंग क्या निकला, लास्ट पार्ट, बड़ा भाग। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, सपोज आपको पता है लॉयन जो होता है वो जंगल का राजा होता है, और अगर जंगल में कई जानवर रहते हैं जिसमें शेर भी रहता है, तो अगर किसी चीज का बंटवारा होगा तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिलेगा, शेर को, क्योंकि वह जंगल का राजा है। तो यानी शेर का, शेर कैसा होता है, लार्ज पार्ट, बड़ा हिस्सा होता है। अगला लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अब देखिए लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, यानी कि गिफ्ट के घोड़े के मुंह में देखना उसे कितने दांत हैं, और इसका एडियम क्या निकला है, टू क्रिटिसाइज अ गिफ्ट, किसी गिफ्ट की आलोचना करना। इसको देखिए ऐसे लर्न करोगे, आपने देखा हैमर हिंदी धर्म में भी कहा जाता है कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते हैं। अब देखिए इसको इंग्लिश में देखिए कैसे पढ़ेंगे, सपोज मान लीजिए आपको किसी ने हॉर्स दान किया, और आप देखते हैं, बताओ देखते हैं, देखिए इस हॉर्स के कितने दांत हैं, तो आप उस हॉर्स को दान करने वाले की आलोचना कर रहे हो, क्योंकि जब आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है, गिफ्ट मिल रही है, तो हमें उसके दांत वांत नहीं गिने चाहिए। ये होता है लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अगला आपका है इन लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन और ग्रीक इंग्लिश भाषा होती है, जैसे आपकी ब्रिटिश इंग्लिश है ऐसे लैटिन इंग्लिश होती है, ग्रीक इंग्लिश होती है, और इसका मतलब निकला इनकॉम्प्रेहेंसिबल। बच्चों इनकॉम्प्रेहेंसिबल का मतलब होता है, देखिए बनाया गया एक वर्ड होता है कॉम्प्रीहेंड, बच्चों कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, कॉम्प्रेहेंसिबल होता है समझने योग्य, और इन लगा दिएगा बच्चों इन में जाता है नॉट, नॉट कॉम्प्रेहेंसिबल, जिसको समझा ना जा सके। तो देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, सपोज अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ हिंदी आती है, और उसको अगर आप लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में लिख करके कोई लेटर दे देते हो, तो लेटर उसके लिए कैसा होगा, इनकॉम्प्रेहेंसिबल होगा, वो उसको समझ ही नहीं पाएगा। और लास्ट आपका है लास्ट नेल इन द कॉफिन। अब देखिए कॉफिन होता ताबूत, यानी कि ताबूत में अंतिम कील ठोंक देना, नेल होता कील, और आपने देखिए हिंदी में सुना होगा कि यार उस इंसान ने तो उसके ताबूत में अंतिम कील ठोंक दी, यानी कि अब वो ताबूत से बाहर नहीं आ पाएगा, ये हो जाता है काजिंग रून, यानी किसी के लिए बर्बादी पैदा कर देना। तो जैसे कैसे करेंगे कि अगर सपोज किसी इंसान, किसी जिंदा इंसान को ताबूत में बंद कर दिया जाए, और आप अगर उसमें कील ठोंक के उसे बंद कर दो हमेशा के लिए कि वो बाहर ना आ पाए, यानी आप उसको बर्बाद कर रहे हो, तो क्या हो जाता है, काजिंग रून। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आपका पहला है idiom, knit the brow, मतलब होता है अपनी ब्रो को ऊपर करना, भौंहें तानना, मतलब टू फ्रॉन, गुस्सा होना।
टू कीप फिंगर क्रॉस, फिंगर को क्रॉस करके रखना कब करते हैं, जब हम किसी चीज को बहुत आशापूर्वक इंतजार करते हैं, मतलब टू वेट एक्सपेक्टेंटली। किक हील्स मतलब किसी अपने पैरों को हिलाते बैठना, मतलब कब बैठते हैं, वेस्ट टाइम इन वेटिंग, इंतजार करने में समय बर्बाद करना। लॉस्ट इन द क्लाउड्स यानी बादलों में खो जाना, ख्वाबों में खो जाना, मतलब कब होते हैं, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। लूज ग्राउंड जैसे कांग्रेस पार्टी यूपी में ग्राउंड खो रही है, मतलब क्या कर रही है, फेल टू कीप पोजिशन, अपनी पुरानी स्थिति को बनाए रखने में फेल हो जाना। टू लाफ इन स्लीप मतलब ऐसे स्लीप में हंस लेना, चुपचाप हंस लेना, मतलब होता है लाफ सीक्रेटली। लीव नो स्टोन अनटर्न, कहानी बताई थी कि अगर खेत में तमाम पत्थर पड़े हैं और आपसे कहा जाए कि किसी एक पत्थर नीचे खजाना छुपा है और आपने सारे पत्थर हटा दिए लेकिन लास्ट नहीं हटाया तो वहीं पर खजाना था, तो क्या करना चाहिए, हमें किसी भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ना चाहिए, हर स्टोन को पलटना चाहिए। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, हर संभव प्रयास करने चाहिए। लुक शार्प मतलब होता है बहुत शार्प, कब दिखते हैं, मेक हैस्ट, जब हम जल्दी करते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी अगर हम अपने बैग में बिल्ली को छुपा के ले जाएं और लोग पूछें क्या है क्या है, और जब हम रात में बिल्ली को निकाल दिखा दें तो हम क्या करें, बैग का डिस्क्लोज यानी कि डिस्क्लोज करना, उसका रहस्य बता देना। लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग, तो स्वर्ग बहुत अच्छा होता है, लेकिन मूर्ख क्या करते हैं, छोटी मोटी गलत जगह को ही स्वर्ग बना लेते हैं, तो उनका जैसे क्या है, उन्हें किसी पार्क में बैठ के जुआ खेल ले तो वही उनका स्वर्ग है, यानी मूर्खों का स्वर्ग मतलब फॉल्स होप, झूठी आशा। लॉयन शेयर, लॉयन जंगल का राजा है, तो उसका शेयर कैसा होता है, बड़ा होगा, मतलब लास्ट पार्ट, बड़ा हिस्सा। लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, है ना, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, यानी अगर किसी ने आपको हॉर्स को गिफ्ट किया है और आप उसके दांत गिन रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज, यानी उसके गिफ्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो। लैटिन एंड ग्रीक, यानी जिसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश ना आती हो और उसको लैटिन और ग्रीक भाषा में लेटर लिखोगे या लव लेटर लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, इनकॉम्प्रेंसिबल हो जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा। लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी किसी के कॉफिन में, ताबूत में अंतिम कील छोड़ गाड़ देना कि वो बाहर ना निकल पाए, मतलब उसे बर्बाद कर देना, तो रिवन होता है। तो बच्चों ये थे आज के आप इम्पॉर्टेंट 15 idioms, उम्मीद है आपको ये वर्ड्स, ये idioms अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इम्पॉर्टेंट 15 idioms के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।